क्या किसी राज्य की सरकार के सचिव को उसी राज्य में होने वाले चुनावों के लिए चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त पदभार दिया जा सकता है, एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है एक ऐसे व्यक्ति को जो उसी सरकार में सचिव है, सेक्रेटरी के पद पर है। इस मामले में गोवा सरकार के फैसले को अनुचित ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सीधे सीधे हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ समझौता करना है कि जो व्यक्ति सरकार में सचिव के पद पर है, आप उसी को राज्य के चुनाव के लिए चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त भार कैसे दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। हालांकि उसमें जो नियुक्ति होती है वो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स की होती है, लेकिन उनके ऊपर सरकार से जुड़ी कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं हो सकती, ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर देश के किसी भी राज्य में क्यों ना हो, वो एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए और राज्य सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त करना भारत के संविधान के विरुद्ध है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और इस पूरे मामले में इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आर एफ नरीमन है, उन्होंने गोवा सरकार के इस फैसले पर भी सवाल उठाया है कि कैसे लोकतंत्र में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के साथ इस तरह का समझौता किया गया कि जो व्यक्ति सरकार में किसी पद पर बैठा है और वही चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल लेता है। वाकई ये बात बहुत चिंता करने योग्य है, और क्योंकि हम इस लोकतंत्र के निवासी हैं, इसलिए हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम इस बात को जानें, इस पर सवाल उठाएं और अपना मत रखें। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं मेरे साथ साझा कर सकते हैं।